हेलो एवरीवन, सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो कि नीट पे पूछे जा चुके हैं रिलेटेड टू द सेल बायोलॉजी, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड बायो मॉलिक्यूल्स। इन तीन चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि हम जान सके कि नीट 2024 में क्या पैटर्न रहने वाला है, राइट? एंड इन क्वेश्चन के हेल्प से हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो अगेन रिवाइज भी करेंगे। अगेन, अब इन चैप्टर से कोई भी डाउट भी है, मैंने सेशंस अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप जरूर देखेंगी, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे ताकि आपका वो डाउट मैं एड्रेस कर सकूं। रेस्ट, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी सेशन मैं अपलोड करूँ तो आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। तो तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है बायो मॉलिक्यूल से। सो बायो मॉलिक्यूल का ये पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि सेल्युलोज जो है वो ब्लू कलर क्यों नहीं देता आयोडीन के साथ। तो पहले तो सेल्युलोज जो है इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड, नेचर में ये पॉलीमर है। होमोपॉलीसेकेराइड है यानी कि सिंगल पर्टिकुलर शुगर मॉलिक्यूल से जुड़कर बना है, यानी कि ग्लूकोज कंटिन्यूस चेन अरेंजमेंट बनाकर सेल्यूलोज बनाते हैं। तो अब ये ब्लू कलर क्यों नहीं देता आयोडीन के साथ, तो उसको फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है आयोडीन के साथ रिएक्ट करके। बिल्कुल गलत ऑप्शन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्रेक नहीं होता, इसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड स्टेबल रहते हैं। इनफैक्ट मोनोमर से ज्यादा स्टेबल जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म है, पॉलीसेकेराइड ज्यादा स्टेबल है। तो अगेन ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। दूसरा ये कह रहे हैं कि डायसेकेराइड है, नहीं, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये पॉलीसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है ना, डायसेकेराइड से ओलिगोसेकेराइड। उसके बाद ये कह रहे हैं हेलिकल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल नहीं। हमारे पास ये जो सेल्युलोज है इट्स एन अनब्रांच स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड है एंड नॉन हेलिकल है, नॉन हेलिकल, ठीक है, अनब्रांच्ड है और नॉन हेलिकल है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। रेस्ट हम बात करेंगे लास्ट ऑप्शन की, अगेन ये करेक्ट हो सकता है, हमने तीन ऑप्शन देखे जो कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो लास्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, जिसकी वजह से ये आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ट्रू, इनमें कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, हेलिकल अरेंजमेंट नहीं होता, अभी हमने बात की कि नॉन हेलिकल है, ठीक है। तो हेलिकल अरेंजमेंट नहीं होता और इसी हेलिकल अरेंजमेंट ना होने की वजह से आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता। तो हमारे पास यही आंसर है इसका, यही करेक्ट आंसर है जो जस्टिफाई कर रहा है इस क्वेश्चन को। तो जो सेल्युलोज है उसके केस में जो आपके पास स्ट्रक्चर रहता है वो बिल्कुल अनब्रांच्ड और नॉन हेलिकल है, बट इससे रिलेटेड जो अदर कंपोनेंट्स है ना, जैसे आप स्टार्च और ग्लाइकोजन को देखोगे जो कि अगेन ग्लूकोज के ही होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीसेकेराइड है, दोनों ग्लूकोज से ही बने हैं लाइक सेल्युलोज, ठीक है। बट इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने की वजह से ना आयोडीन के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट शो करते हैं। जैसे स्टार्च का केस में देखोगे हेलिकल स्ट्रक्चर है विद ब्रांच्ड अरेंजमेंट, जिसमें से हेलिक्स को अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, अमाइलोस कहते हैं, और ये ब्रांच्ड अरेंजमेंट को अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, जिसमें से ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर ये क्या करता है, आयोडीन को होल्ड करता है, इस तरीके से आयोडीन को होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से आयोडीन से ट्रीटमेंट पे ना स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देगा, स्टार्च जो है वो ब्लू कलर देता है। बट वही अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, ये दूसरा ग्लूकोज का होमोपॉलीसेकेराइड है लाइक सेल्युलोज, तो ग्लाइकोजन जो है उसके केस में इस तरीके से ब्रांच्ड अरेंजमेंट होता है बट नॉन हेलिकल होता है, ब्रांचेस होती है बट नॉन हेलिकल अरेंजमेंट होगा। तो ये भी ग्लाइकोजन जो है उसके बारे में मेंशन तो नहीं किया गया बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में, बट ये भी रेड कलर देता है, ब्लू कलर नहीं देता आयोडीन के साथ, रेड कलर देता है, बट सेल्युलोज तो बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। सो स्टार्च के बारे में आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और पूछा जा सकता है, ठीक है। सो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है सेल साइकिल एंड डिवीजन से, जिसमें बात की है अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है, पहले वो बात करते हैं फिर मूव करते हैं आगे ऑप्शंस पे। सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी कि कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है, रेप्लिका बनाता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए,
और ये होता कहाँ है, यूकेरियोट्स में अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस होता कहाँ है, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में होने वाला ये प्रोसेस किस फेज में होता है? अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो वी हैव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल साइकिल अरेंजमेंट, माइटोसिस होती है और मियोसिस होती है, और दोनों के केस में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पहले चाहिए, यानी कि डिविजन होने से पहले ही सेल को तैयार कर दिया जाता है बाय रेप्लिकेटिंग देयर डीएनए। तो वो डीएनए जो रेप्लिकेट होता है वो मतलब इंटरफेज में हो रहा है सेल साइकिल में, अगर डिविजनल फेज में नहीं हो रहा तो मतलब इंटरफेज में हो रहा है। तो इंटरफेज में कौन कौन से आते हैं फेजेस हमारे पास? G2 फेज आता है, S फेज आता है और G1 फेज आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूकेरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस पर्टिकुलर फेज में होती है, ठीक है कौन से फेज में होगी। तो एम फेज तो पहले ही यहां से आउट हो गया ना, एम फेज हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि अभी हमने बात की कि डिविजनल फेज में डीएनए नहीं रेप्लिकेट होता, डिविजन से पहले सेल को डीएनए की दो कॉपीज चाहिए, डबल कॉपीज चाहिए। ठीक है, और वो पहला फेज है इंटरफेज, डिविजन से पहला वाला फेज, तो इन तीन पर्टिकुलर फेजेस में कभी हो सकती है। ठीक है, सो बात करते हैं सबसे पहले G2 फेज की। G2 फेज जो है ये प्रेपरेटरी फेज है, गैप टू फेज है जब हमारे पास डिविजन यानी कि एम फेज के लिए तैयारी होती है। तो आप ये बात करो तो ये एम फेज के लिए प्रोटीन्स, एम फेज के लिए एंजाइम्स, वो सारे इसी पर्टिकुलर फेज में इकट्ठे होते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। एस फेज जो है जिसे सिंथेटिक फेज कहा जाता है, और ये सिंथेटिक फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो फेज है जब डीएनए की कॉपी बनती है, और सिर्फ डीएनए की कॉपी ही नहीं बनती, एस फेज ये फेज भी है जब हमारे पास डुप्लीकेशन होती है सेंट्रोसोम की। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स। ठीक है, सो ये दो पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं, तो हमारे पास G1 फेज, M फेज और G2 फेज, ये तीनों फेज इन्वॉल्व नहीं होते डीएनए रेप्लिकेशन में, जिसमें से G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयारी की जाती है, बट रेप्लिकेशन का कोई भी प्रोसेस, कोई भी इवेंट इस पर्टिकुलर फेज में नहीं होता। ठीक है, सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है इस फेज से। ठीक है, सो फिगर आउट करते हैं अगेन, एस फेज इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने कहा दो पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहे हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, और इस एस फेज में जब हमारे पास डीएनए डबल होता है, ठीक है डबलिंग ऑफ डीएनए होती है, तो हमारे पास G2 फेज जो होगा ना, यानी कि G2 फेज के दौरान, ये S फेज के बाद आता है, तो हमारे पास डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो चुका होता है। ठीक है, सो यहाँ पे डीएनए कंटेंट जो है वो डबल ही होगा। तो M फेज में कहीं बीच में डीएनए कंटेंट हाफ हो जाता है, वो हम बात करेंगे जरूर, अगेन मैंने एक्सप्लेन भी किया है अपने सेशन में। तो M फेज में बीच में हमारे पास डीएनए कंटेंट अगेन हाफ हो जाएगा, लेकिन G1 फेज में बिल्कुल हमारे पास डीएनए जो है वो दो कॉपीज, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और दो कॉपीज ऑफ डीएनए ही, इसमें डबल नहीं हुआ होता क्योंकि G1 फेज जो है वो S फेज से पहले हो जाता है। ठीक है, सो इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस किस पर्टिकुलर फेज में डीएनए का कंटेंट डबल होता है या हाफ होता है, तो उस चीज को आपको फिगर आउट करना है। G2 के मतलब एस फेज के बाद होने वाले जो इवेंट्स हैं, G2 फेज और एम फेज के कुछ पर्टिकुलर फेज सब फेजेस हैं जब डीएनए कंटेंट डबल होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर फेज के बाद डीएनए कंटेंट हाफ हो जाता है और डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे आगे। सो मूव करते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन सेल साइकिल एंड डिविजन से है, और वे पूछ रहा है कि मियोसिस के, मियोसिस ठीक है रिडक्शनल डिवीजन के कौन सी स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्रोमोसोम को समझते हैं अगेन। तो हमारे पास क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का? इस तरीके से, ये वो क्रोमोसोम है जो अभी डिवाइड होना है। ठीक है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े हैं, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े होने वाली दो क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेंट्रोमियर से जुड़ी है। तो अब क्या होता है मेटाफेज के दौरान, तो ये हमारे पास सेल है, न्यूक्लियस जो है वो अभी गायब हो चुका होता है, मेटाफेज के दौरान की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी मेटाफेज की,
इस दौरान क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम बीच में अलाइंड होते हैं ना, तरीके से बीच में अलाइंड होते हैं, और दोनों साइड इस तरीके से, दोनों साइड से स्पिंडल अपरेटस आ रहा होता है सेंट्रियोल से, यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक्यूरेटली बनाऊं तो इस तरीके से परपेंडिकुलर अरेंजमेंट, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रोमियर को ज्वाइन किया। तो यहाँ पे क्या होती है, सेंट्रोमियर में एक काइनेटोकोर, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ स्पिंडल फाइबर दोनों साइड से बाइंड करते हैं। अब स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होंगे और अल्टीमेटली शॉर्टन होने की वजह से सेंट्रोमियर जो है उस पे खिंचाव बढ़ेगा और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में और क्रोमेटिड आर्म सेपरेट हो जाएंगे। तो मेटाफेज में ऐसा अरेंजमेंट था, है ना, और उसके बाद स्प्लिटिंग हो जाएगी उसके नेक्स्ट फेज में, ठीक है। सो अगेन इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं और ऑप्शंस फिगर आउट करते हैं। सबसे पहले तो बात की गई है, बोला जा रहा है कि टेलोफेज जो है उसमें सेंट्रोमियर की डिवीजन, बिल्कुल टेलोफेज वो फेज नहीं है, मेटाफेज के बाद वाला फेज है, ठीक है। दूसरा है मेटाफेज वन, मेटाफेज टू, बट हम यहाँ पे अगर देखें तो मेटाफेज वन और मेटाफेज टू दोनों में ही सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, तो टेलोफेज में नहीं होता, मेटाफेज वन और टू में भी नहीं होता, ठीक है। अब बारी है एनाफेज, तो एनाफेज सेकेंड जो है उसमें सेंट्रोमियर की डिवीजन। बट अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो एनाफेज है ना, जैसे तो यहाँ इस क्वेश्चन में तो बात करी है डायरेक्टली किसकी, मियोसिस की। तो अगर हम माइटोसिस में बात करें तो माइटोसिस में एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, डिविजन ऑफ सेंट्रोमियर। बट मियोसिस की बात करें ना अगर हम, तो मियोसिस में क्या होता है, हमारे पास एनाफेज वन होता है और एनाफेज टू होता है। तो क्या दोनों पर्टिकुलर केस में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा या तीनों में, माइटोसिस के एनाफेज में और मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट और सेकंड, तीनों में सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा? बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो सेंट्रोमेरिक डिवीजन होता है ना वो माइटोसिस के एनाफेज में होता है और मियोसिस के सिर्फ एनाफेज सेकंड में होता है, फर्स्ट में नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट का ऑप्शन होता ना तो बिल्कुल उसको स्टार्टिंग में इनकरेक्ट मान लेना, ठीक है। एनाफेज सेकंड है जहां पे सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, पर एनाफेज फर्स्ट में क्यों नहीं होता, वो इसीलिए क्योंकि उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग होते हैं, क्रोमेटिड आर्म्स अलग नहीं होती, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग होते हैं। तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका वो है एनाफेज सेकेंड। तो एनाफेज सेकेंड में एक्चुअली क्या होगा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी किसी और पर्टिकुलर फेज में, एनाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। अब अगेन अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ, एनाफेज फर्स्ट में ना, मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में पता किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, हमारे पास क्रोमोसोम जो है ना यहाँ पे ये तीन तीन पर्टिकुलर होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं प्लेन में, इसके अपोजिट होमोलॉग होगा इस तरीके से ये। तो अब सेंट्रोमियर पता है किस तरीके से बाइंड करता है, सॉरी स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को यहाँ पे, इन क्रोमोसोम्स को यहाँ पे, ठीक है। तो जब शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है ना, ये ऊपर वाले क्रोमोसोम एक पोल पे चले जाएंगे, नीचे वाले क्रोमोसोम नीचे वाले पोल पे चले जाएंगे, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ ही नहीं, दो दो आर्म्स के साथ ही पूरा पूरा क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा। मेटाफेज में अगेन आप ये देख रहे हो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम की आर्म्स को यहां से और यहां से बाइंड कर रहा है, दो आर्म्स है, दो आर्म्स की स्प्लिटिंग हो गई। वही एनाफेज में आप देख रहे हो आर्म्स की स्प्लिटिंग नहीं हो रही, पूरा का पूरा ये वाला क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम दूसरा पोल की तरफ चला जाएगा। तो एनाफेज फर्स्ट में ऐसा होता है मियोसिस के, इसलिए एनाफेज फर्स्ट को छोड़ के बाकी दोनों एनाफेज, माइटोसिस के एनाफेज में भी और मियोसिस के एनाफेज सेकेंड में भी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है
दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड, एंजाइम से रिलेटेड दिए गए हैं, अगेन बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, तो ये दो स्टेटमेंट्स दिए और हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लो टेम्परेचर जो है वो एंजाइम को टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट पे प्रिजर्व कर देता है, मतलब इनएक्टिव स्टेट पे ले आता है, जबकि अगर हम हाई टेम्परेचर करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो कर देगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, जो कि एंजाइम के प्रोटीन नेचर को डी नेचर कर देता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट का कहने का क्या मतलब है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, बट अगर टेम्परेचर लो किया तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई किया तो एंजाइम जो है उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मतलब टेम्परेचर ना कम करना ना ज्यादा करना, जिसकी वजह से एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, यही स्टेटमेंट कह रहा है। तो बिल्कुल एक्यूरेट साउंड कर रहा है, सही साउंड कर रहा है। तो पहले एक बार स्टेटमेंट सेकंड को भी रीड कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जब इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ क्लोजली, यानी कि एंजाइम को इनहिबिट करने वाला जो इनहिबिटर है, अगर वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सबस्ट्रेट के साथ मैच करता है तो वो सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन करके उसकी एक्टिविटी को खराब कर देगा, और ऐसे इनहिबिशन को और ऐसे इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। तो ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, हमें तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, है ना। और कहा जा रहा है स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू लग रहा है, फर्स्ट भी ट्रू लग रहा है, तो ये ऑप्शन हम अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ठीक है, तो ये ऑप्शन हम अभी सेलेक्ट कर सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं। अब थर्ड कह रहा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स, अगेन ऐसा हो ही नहीं सकता, स्टेटमेंट वन एंड टू, वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, अगेन ये भी गलत, क्योंकि हमें दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, नीट में एग्जाम में ये नहीं करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिखा और आपको सही लग रहा है और फटाफट उसे मार्क कर दिया, चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो अच्छे से मैच कर रहा है आंसर के साथ। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है अटेम्प्ट करते समय, हमेशा क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सही से देखने हैं, फर्स्ट को देख के ही एक बार में कंक्लूजन पे नहीं आ जाना कि यही सही है, ठीक है। तो हम सेकंड बी ऑप्शन को करेक्ट मान रहे हैं, अगेन ऑप्शन बी जो है इट्स अ करेक्ट आंसर। तो अगेन समझते हैं दोनों ऑप्शंस को, दोनों स्टेटमेंट्स को, पहले लो टेम्परेचर, टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में, और इनहिबिटर के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हमारे पास एंजाइम है, तो टेम्परेचर से रिलेटेड एक ग्राफ है जो एनसीईआरटी ने दिया है, जो इस तरीके से पैराबोलिक अरेंजमेंट में है, जिसमें बताया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंजाइम की एक्टिविटी हाई है, यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिसे आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हो, जिसमें एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो हाई होती है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर इस तरफ, टेम्परेचर इस तरफ अगर हम लो करते हैं तो भी एक्टिविटी फॉल कर रही है, इस तरफ अगर ज्यादा करते हैं तो भी एक्टिविटी फॉल कर रही है। तो अगेन स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, और वो यही कह रहा है कि एंजाइम की एक्टिविटी दोनों साइड पे लो होगी, क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर से तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव होगा डीनेचर में, ठीक है, दोनों में फर्क है, इस चीज को बड़ा ध्यान से रखना। टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम इनएक्टिव होगा, लेकिन टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है ना तो एंजाइम डी नेचर हो जाता है, एंजाइम का प्रोटीन स्ट्रक्चर ही पूरा खराब हो जाता है, तो एंजाइम डी नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है। बट अगर टेम्परेचर की जगह पीएच होगा ना, पीएच चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, दोनों ही केस में ना एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। अब इनएक्टिव और डी नेचर के बारे में फर्क बताती हूँ। इनएक्टिव होगा, टेम्परेचर कम था तो इनएक्टिव हो गया एंजाइम, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ना तो एंजाइम अपने इनएक्टिविटी से बाहर आकर एक्टिव स्टेट में आके काम कर लेगा, बट एक बार एंजाइम डीनेचर हो गया तो दोबारा वो प्रोटीन स्ट्रक्चर वो दोबारा से नहीं लेगा, और अल्टीमेटली प्रोटीन पूरा खराब हो चुका है। टेम्परेचर ज्यादा करने के बाद अगर हम कम भी कर देंगे ना तो अगेन एंजाइम अपना स्ट्रक्चर रिटेन नहीं कर पाएगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो डीनेचर टर्म में और इनएक्टिव टर्म में दोनों में फर्क है, ध्यान रखेंगे इस चीज का।
अब दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इनहिबिटर से और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से रिलेटेड था, तो ये है एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए ये है सबस्ट्रेट। अगेन हम फिजिकल टर्म्स में बात करते हैं बट इट इज अबाउट द मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्चुअली ये कॉमन अरेंजमेंट होता है। अब ये है हमारे पास इनहिबिटर, अब आप देख रहे हो हमारे पास इनहिबिटर भी एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लायक है और सबस्ट्रेट भी बाइंड करने के लायक है। तो सोचो अगर हमने इनहिबिटर बढ़ा दिया तो सबस्ट्रेट के साथ वो कॉम्पीट करेगा एक्टिव साइट के लिए और अल्टीमेटली एक्टिव साइट में वो बाइंड करके प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएगा और इनएक्टिविटी आ जाएगी, है ना। तो यही कहा था सेकेंड स्टेटमेंट में कि जो हमारे पास इनहिबिटर है जब वो क्लोजली रिजेंबल करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है तो ऐसे केस में इनहिबिटर को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाता है क्योंकि वो कॉम्पीट कर रहा है एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए। सबस्ट्रेट के जैसा दिखता है यानी कि जो सबस्ट्रेट में हमारे पास NH2OH ग्रुप है, ठीक है, जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट के ग्रुप्स के साथ कंपैटिबल है और बॉन्ड बनाता है, वैसा ही अगर NH2OH ग्रुप हो यानी कि CH2OH ग्रुप हो तो अब वो एक्टिव साइट पे इनहिबिटर की इनहिबिटर जो है उसमें भी सेम CH2OH ग्रुप है, अब वो भी एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लायक हो जाएगा ना। ऑल्दो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा बट एक्टिव साइट पे तो बाइंड होके सबस्ट्रेट को तो रोक दिया ना, जिसकी वजह से क्या होता है कॉम्पिटिशन हुआ बट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, इनहिबिशन हो गया, ठीक है। सो यही है कॉन्सेप्ट जो इन दोनों स्टेटमेंट में पूछा गया था। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है अगेन सेल साइकिल के बारे में है, सेल साइकिल से रिलेटेड है, तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है इन पर्टिकुलर पांच स्टेटमेंट्स में से। तो सबसे पहला तो बोला गया है कि टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज ये कौन सी स्टेज है, ये हमारे पास मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का पहला सब फेज है लेप्टोटीन, जिसमें टेट्राड फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है प्रोफेज का यानी कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम बनने की कोशिश कर, ठीक है, कंडेंस हो रहा है, कॉइलिंग हो रही है, तो लेप्टोटीन जो है उस स्टेज में टेट्राड फॉर्मेशन नहीं। अगेन अगर टेट्राड को लेके कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देती हूँ, टेट्राड अरेंजमेंट इस तरीके से आता है जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम अपनी दो आर्म्स के साथ, दो क्रोमेटेड आर्म्स हैं, आर्म्स के साथ एक दूसरे के साथ आके एक साइनेक्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, दिस इज बायवेलेंट और टेट्राड अरेंजमेंट, ठीक है। सो टेट्राड फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटेड सेपरेट, अगेन इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एनाफेज की बात की है यानी कि यहाँ पे माइटोसिस भी है, मियोसिस हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि मियोसिस के केस में एनाफेज फर्स्ट और सेकंड पर्टिकुलरली बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनाफेज कहा गया है तो मतलब माइटोसिस की बात हो रही है, तो डेफिनेटली सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात की गई है टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैचिटीन, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। पैचिटीन जो है इस दौरान हमारे पास टर्मिनलाइजेशन नहीं होती, इट्स ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस, अगेन गलत है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज, करेक्ट साउंड कर रहा है ना, तो अभी तक बी और डी ऑप्शन थोड़े करेक्ट साउंड कर रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, हमारे पास जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है ये आ गए एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। जब क्रॉसिंग ओवर होती है ना तो हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम की आर्म दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की आर्म के साथ क्रॉसिंग ओवर करती है, यानी कि अगर हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें दो आर्म्स हैं तो उनको आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहा जाएगा, बट दो क्रोमोसोम्स, दो वो क्रोमोसोम्स हैं जो आपस में होमोलोगस हैं, उन दोनों की आर्म्स को आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाएगा। तो मतलब जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं होता,
सिस्टर क्रोमैटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी होती है, उनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है। तो हमारे पास किस स्टेट कौन कौन से ऑप्शन हमने अभी तक करेक्ट मार्क किए, डी एंड डी। तो यहाँ पे बी एंड ई है गलत, ए एंड सी है गलत, बी एंड डी यस, ठीक है। सो आंसर जो है इट्स बी एंड डी ओनली, ठीक है। तो याद रखना है टेट्राड फॉर्मेशन लेप्रोटीन में नहीं होती है। एनाफेज की बात हुई है, माइटोसिस की बात हुई है, मियोसिस में एनाफेज फर्स्ट और सेकंड क्लेरिफाई किया जाता है, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात होनी है तो वहां पे वन और टू मेंशन किया जाएगा मियोसिस के केस में। टर्मिनलाइजेशन पैचेटिन में नहीं होती है, टेलोफेज में ही गॉल्जी अपरेटस न्यूक्लियोलस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होते हैं दोबारा से, और अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस और सेल डिवाइड हो जाता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उनके केस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वेरियस स्टेजेस और वेरियस इवेंट्स रिलेटेड टू द सेल साइकिल। तो इन इवेंट्स के बारे में आपको अगेन हर एक स्टेज में क्या क्या इवेंट हो रहा है वो पर्टिकुलरली याद करना और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली वो कंफ्यूज भी बहुत करते हैं, ठीक है। तो अगेन हर एक स्टेज को लेके पर्टिकुलरली पर्टिकुलर रहना और सीक्वेंस में याद करना। सीक्वेंस में एक इमेज बनाते हुए ना खुद के माइंड में एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना है आपको, कि ताकि आप याद रख सके, क्योंकि आप कोई भी डायग्राम देख के एनालाइज करके वो आपको एक वो चीज जो है वो माइंड में आ जाएगा। तो डायग्राम ज्यादा से ज्यादा एनालाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए, ताकि आपको समझ आ सके कि किस स्टेज में क्या हो रहा है और क्या पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है, तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स जो है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो इनमें से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं हमारे पास 1, 2, 3 और 4 मेंशन किए गए हैं, जिसमें से ग्लट 4 प्रोटीन जो है वो हमारे पास ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ग्लट 4 जो है वो एक प्रोटीन है जो प्रेजेंट रहता है सेल की मेम्ब्रेन में, सेल कवरिंग में प्रेजेंट रहता है। तो इंसुलिन की प्रेजेंस में ये ग्लट 4 प्रोटीन एक्टिव हो जाता है और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ताकि सेल जो है वो उसे यूटिलाइज कर सके और ग्लाइकोलिसिस जैसे प्रोसेस में ग्लूकोज को प्रोसीड करवा सके और ऑक्सीडाइज करवा सके। तो ग्लूकोज की मूवमेंट ब्लड से सेल के अंदर कब होती है, जब इंसुलिन रिलीज करके ग्लट 4 प्रोटीन को बोलता है कि तुम ग्लूकोज को अंदर सेल के माइग्रेट करवा दो, और जब ग्लट 4 प्रोटीन ग्लूकोज को माइग्रेट करवा देता है तो ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेटरी चेन में एंटर कर जाता है और ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। सो ये है पूरा प्रोसेस, तो ग्लट 4 प्रोटीन, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑर्गेनल्स जो हमारे पास हमने डील की है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे। हम उन ऑर्गेनल्स के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम। ये करेक्ट साउंड कर रहा है फिलहाल की, सो करेक्ट मार्क करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सारे ऑप्शन हमें चेक करने होते हैं, तो यहाँ पे गॉल्जी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, यानी कि वो ऑर्गेनल्स जो एक ही मेम्ब्रेनस अरेंजमेंट में आपस में कनेक्शन में काम करते हैं, जो आपस में कनेक्शन में काम करके एक दूसरे की सिंथेसिस को पैक कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी, वैक्यूल्स और राइसोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं आता। माइटोकॉन्ड्रिया अलग से काम करके एनर्जी की और एटीपी की सिंथेसिस करता है। तो थर्ड ऑप्शन कह रहा है गॉल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगेन माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, तो हम यहाँ पे इसको कट कर रहे हैं। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी, ठीक है। तो राइबोसोम्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास बाकी सी डी और बी ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों को भी याद रखेंगे, ये हमारे पास सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं और दोनों ही डबल मेम्ब्रेन है,
दोनों अपने कुछ हाफ ऑफ द प्रोटीन्स बना सकते हैं जो कि इनको रिक्वायर्ड है, जिसके लिए इनके पास आरएनए, डीएनए और 70S राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, सो इन ऑर्गेनल्स को सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, जिसमें बोला पूछा गया है कि हमारे पास कौन का वैलेंट ए जो है वो कौन सा हमारे पास मेटाबोलाइट है। सो कॉनकाना वैलेंट जो है इट्स अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी वाला मेटाबोलाइट वो होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते तो हैं, लेकिन उसमें उनका कोई नोन फंक्शन नहीं होता। तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि प्लांट में बन रहा है, फंगस में बन रहा है, बैक्टीरिया में बन रहा है, वो हमारे काम आ सकते हैं, हम उनको इकोनॉमिकली मेडिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉनकाना वेलिन ए जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो हमारे पास हम उसे यूटिलाइज करते हैं, बट ये प्राइमरी फंक्शन इसका कोई भी नोन नहीं है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि कॉनकाना वेलिन जो है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। इफ इट्स एन एल्कलॉइड, एसेंशियल ऑयल, लेक्टिन और पिगमेंट। तो हमारे पास कितने डिफरेंट तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं? हमारे पास पिगमेंट्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, लेक्टिन्स हैं, ड्रग्स हैं और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं। तो कॉनकाना वेलिन ए जो है वो बिलोंग करता है लेक्टिन से, लेक्टिन कैटेगरी से। तो ये आपको सारे याद रखने हैं कि पिगमेंट्स कौन से हैं, कैरेटेनॉइड्स एंड एंथोसायनिन्स। सायनिन टर्म और कैरेटेनॉइड टर्म, कैरेटेनॉइड कैरेट में है ना, एंथोसायनिन साइनिन ब्लू कलर, तो पिगमेंट्स ऐसे याद रख लेंगे। एल्कोलॉइड्स मॉर्फिन एंड कोडीन एल्कोलॉइड्स, ठीक है, और इनके बारे में आप 12th में भी पढ़ते हो। ठीक है, सो ड्रग अब्यूज के केस में, ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट्स के केस में, वहां पे इन पर्टिकुलर कैटेगरीज का नाम है, इन एल्कोलॉइड्स का नाम है। टर्पिनॉइड्स में बहुत इजी है, मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल एक ही है, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन आर्बिनेविसिन, लेक्टिन आ गया कॉनकैनावेलिन ने। ड्रग्स में विनब्लास्टिन एंड कुर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबर, गम्स एंड सेल्यूलोस। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल सारी याद करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बात कर रहा है एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपॉड से, तो ये बात कर रहा है कि एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपॉड किसका बना है। अगेन बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन इसके एक्सोस्केलेटन के स्ट्रक्चर का पार्ट जरूर होता है, बट कंप्लीटली ग्लूकोसामीन से नहीं बना। सेलुलोस बिल्कुल नहीं। क्यूटिन अगेन नहीं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो हमारे पास काइटिन इज द करेक्ट आंसर। और काइटिन क्या है? काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड है। क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड, लाइक स्टार्च, लाइक ग्लाइकोजन, लाइक सेल्यूलोस। बट स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोस तीनों क्या थे? ग्लूकोज के होमोपॉलीसेकेराइड थे। तो काइटिन किसका? काइटिन जो है वो नैग यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है उससे बना है। ग्लूकोसामीन इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन, बट कंप्लीट एक्सोस्केलेटन सिर्फ ग्लूकोसामीन से नहीं बना, एसिटाइलेटेड फॉर्म से बना है। सो नैग से ये अगेन होमोपॉलीमर है, तो नैग जुड़ के अगेन काइटिन का अरेंजमेंट बनाता है। ठीक है, अगेन साथ में एनिमल किंगडम में भी ऑर्थ्रोपोड्स में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, इट्स ड्यू टू इट्स एक्सोस्केलेटन की ऑर्थ्रोपोड्स इतने सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाते हैं, और ऑर्थ्रोपोडल जो हमारे पास फाइलम है वो हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम है। और समरी में और कंटेंट में यानी कि थेरी पार्ट में डायरेक्टली मेंशन किया गया है दैट इट इज काइटिन जिससे कि ऑर्थ्रोपोड का स्केलेटन बना है, लेकिन टेबल में इसको क्यूटिकल मेंशन कर दिया गया, तो इसको कंसीडर ना करते हुए आप काइटिन को कंसीडर करें इस टर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास है काइटिन जो कि एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन से बना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लिपिड से रिलेटेड है। ठीक है, और हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है इन पर्टिकुलर ऑप्शंस। तो लिपिड जो है उसमें सबसे पहले बात की गई है, सबसे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि
जो लिपिड है जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि वो फैटी एसिड जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको सेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये ऑप्शन फर्स्ट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो यहां से हम ये वाला निकाल दें क्योंकि हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है ना, तो ये गलत। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, करेक्ट। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हैज अनदर नेम दैट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये भी करेक्ट साउंड कर रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन, पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स, यहां से ही गलत हो जाता है, इसमें 16 कार्बन एटम्स होते हैं, हमारे पास 20 होते हैं एराकिडोनिक एसिड में, जबकि यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन में अगेन बिल्कुल अपोजिट लिखा गया है, यहाँ पे 20 होना चाहिए था, 20 कार्बन होना चाहिए था, एराकिडोनिक एसिड में 20 होते हैं, पाल्मिटिक एसिड में 16 होते हैं, तो यहाँ पे अपोजिट लिखा है, तो ये हमारे पास ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट आ गए, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो सेकेंड और थर्ड ये हमें करेक्ट लग रहा है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सेकेंड लेसिथिन, लेसिथिन जो है वो एक फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड क्यों है, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे CH2O, यानी कि और आ गया हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, ये फैटी एसिड आ गया। सेकेंड ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके साथ फैटी एसिड जुड़ रहे हैं R1 R2, लेकिन थर्ड पोजिशन पे फॉस्फेट ग्रुप होगा P डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और उसके बाद CH2, CH2, ठीक है, CH2 के बाद CH3, 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 सो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि लेसिथिन, फॉस्फेट ग्रुप है लेसिथिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद कहा गया है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोटीन इज ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया नीचे, बट हमने उसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर दिया है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोटीन, ठीक है, सो इस तरीके से ग्लिसरॉल का। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन, तो आंसर है 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट है, बाकी गलत है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं, अगर डबल बॉन्ड हो तो उसके केस में चाहे एक या दो या मल्टीपल डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आस्क्स अबाउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट की बात हुई है कि माइक्रो बॉडीज जो है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों में होती है, ऑप्शन सही लग रहा है। उसके बाद पेरिन्यूक्लियर स्पेस जो है वो बैरियर बनाती है बिटवीन मटीरियल्स प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, हमारे पास वो स्पेस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होती है वो क्या करती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में बैरियर बनाती है, ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है। उसके बाद न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, करेक्ट। और मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पोजेस एन कॉन्सिक्यूअस न्यूक्लियस एलिमेंट्स एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। सो अब ये स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर करने वाला है, तो मैच्योर सीव ट्यूब्स जो हैं उनमें कहा गया है कि क्या होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट दिखने वाला, कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स प्रोमिनेंटली दिखने वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सीव ट्यूब जो है दे एक्ट्स एज अ पैसेज ट्यूब फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो फ्लोएम का पार्ट है सीव ट्यूब्स, इसमें फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है जिसकी वजह से इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं होगा। इसका फंक्शन जो है वो कौन कंट्रोल करता है, कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करते हैं, लिविंग सेल होने के बावजूद भी न्यूक्लियस नहीं होगा, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो है वो काम करेगा। तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फोर्थ वाला है, बाकी 3 ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल क्लियर है और करेक्ट है, जिसमें बात हो रही है कि माइक्रो बॉडीज जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो बैरियर की तरह काम करती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में रहने वाले मटेरियल्स के लिए, करेक्ट है। न्यूक्लियर पोर जो है वो दोनों डायरेक्शन में पैसेजेस को अलाउ करता है, प्रोटीन RNA मॉलिक्यूल्स फ्रीली उसमें से मूव करते हैं,
डेफिनेटली, बट मैच्योर सीव ट्यूब में कभी भी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड विल डिस्कस हियर अबाउट द सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमेरिक पोजिशन, अगर हमारे पास क्रोमोसोम को इक्वल आर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज द क्रोमोसोमल आर्म, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर बना दें, ठीक है। तो हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये उसकी आर्म है जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में, ठीक है। सो ऐसे केस में हमारे पास क्रोमोसोम को क्या नाम दिया जाएगा, इफ इट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। तो हमारे पास ऐसे अगर बीच में अरेंजमेंट हो तो ऐसे क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक कहा जाता है। तो मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होता है जिसके बिल्कुल बीच में क्या होगा, सेंट्रोमियर होगा और आर्म्स जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही होगी। हाँ, अगर हमारे पास क्रोमोसोम आर्म्स जो है, एक आर्म थोड़ी सी बड़ी है दूसरे आर्म के कंपैरिजन में, यानी कि सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्टेड है, तो उसके केस में उसको सब मेटासेंट्रिक कहा जाएगा। टीलोसेंट्रिक, अगर बिल्कुल टर्मिनल पोजिशन पे हमारे पास सेंट्रोमियर है, ठीक है, तो टीलोसेंट्रिक। एक्सेंट्रिक यानी कि आर्म बिल्कुल छोटी सी है एक और दूसरी बिल्कुल लंबी सी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके के अरेंजमेंट को एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है, फाइन। सो इस तरीके से हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स का अलग अलग अरेंजमेंट है, सेंट्रल मेटासेंट्रिक थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक बिल्कुल टर्मिनल पोजिशन पे, एक्रोसेंट्रिक यानी कि एक आर्म बिल्कुल छोटी सी दूसरी थोड़ी लंबी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो कि सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगेन क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म है जो कि आपको मेटाफेजिक स्टेज में देखने को मिलेगी अच्छे से। अगर आपको एनालाइज करना है क्रोमोसोम को तो मेटाफेज स्टेज जो है उसमें एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम तब सबसे ज्यादा कंडेंस हो चुके होते हैं और शॉर्टन हो चुके होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर वहीं पे सबसे ज्यादा अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। बट कंडेंसेशन कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, प्रोफेज में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए, सो अब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं, सेल साइकिल से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया है कि फ्रूट फ्लाई के पास 8 क्रोमोसोम्स है, उसके डिप्लॉयड स्टेट में उसके पास 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमारे पास इंटरफेस ऑफ माइटोसिस में अगर G1 फेज में 8 क्रोमोसोम्स ही है, तो आफ्टर S फेज उसके पास कितने क्रोमोसोम्स है? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको एनालाइज करते हैं। हमारे पास डीएनए कंटेंट, जब हमारे पास एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो डीएनए कंटेंट एस फेज के बाद जो है ना, डीएनए हो जाता है 2 copies से 4 copies, ठीक है। लेकिन एस फेज के बाद हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो 2 copies से 2 sets से 2 sets ही रह जाते हैं। तो अगर हमारे पास क्रोमोसोम 8 है फ्रूट फ्लाई में, तो हमारे पास एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम सेट जो है वो 8 ही रहे। अगेन वो 8 जो है वो क्यों रहेंगे, क्यों हमारे पास डीएनए डबल हो जाते हैं एस फेज के बाद और क्रोमोसोम नहीं होते, मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम, इसको भी कहा जाता है, ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है और ये भी सिंगल क्रोमोसोम है। फर्क क्या है, इसमें एक आर्म है, इसमें दो आर्म है। ये तब होता है जब डीएनए कॉपी नहीं हुआ है एस फेज में, एस फेज के बाद हमारे पास दो आर्म्स आ जाती है, मतलब आर्म्स बदलती है, आर्म्स बढ़ती है बट क्रोमोसोम्स नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि हम काउंट करते हैं आर्म्स को नहीं, हम काउंट करते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बढ़ा नहीं बढ़ा, इसलिए डीएनए की कॉपी डबल हो गई, डीएनए 2 copies से 4 copies बन गया, यानी कि क्रोमैटिड आर्म्स डबल हो गई हैं, बट क्रोमोसोम सेंट्रोमियर डबल ना होने की वजह से क्रोमोसोम 2 sets का 2 sets ही रहा, डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रहा, ठीक है। टेट्राप्लॉयड कंडीशन जो है वो थोड़ी देर के लिए आती है जब एनाफेज में हमारे पास स्प्लिटिंग होती है आर्म्स, स्प्लिटिंग सेंट्रोमियर की जब होती है ना, उस टाइम क्रोमोसोम डबल होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो 1 से 2 सेंट्रोमियर हो गए, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि क्रोमोसोम डबल हुआ एनाफेज के दौरान। टीलोफेज के दौरान भी हमारे पास अगेन वो हमारे पास पूरा कंडेंसेशन हो जाती है, तो हम उसके उस टाइम पे उसका पर्टिकुलरली इतना नहीं कह सकते, बट एनाफेज के दौरान हमारे पास जो क्रोमोसोम की जो कॉपी होती है, सेट होते हैं, वो डबल हो जाते हैं, बट एस फेज के बाद नहीं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द
क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सेल बायोलॉजी, तो इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेनली सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट्स जो है उसमें से आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको याद होंगी चीजें। अगेन डायग्राम्स पे ज्यादा फोकस करो, जितना विजुअलाइजेशन आपका डायग्राम का अच्छा होगा, जितने अच्छे से आपने डायग्राम्स देखी होंगी, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा और आपको अगेन मेमोराइज करने में भी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी इजी रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगेन कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैं अगेन डिस्कस करूंगी रिलेटेड टू द टिश्यूज, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो उसे प्रिपेयर करेंगे और फिर हम डिस्कस करते हैं उनसे रिलेटेड।